Audio Jungle. Audio Jungle. आज जो मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ आपके पास, वो एक केस सपोर्ट सीरीज है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक पर्सन ने मुझे एक बायोस का लिंक सेंड किया है, मतलब बायोस फाइल सेंड की है। ये X430FA, ये आपका असूस का है। तो उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की, आप जैसा देख सकते हैं, उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि बायोस फाइल बनाने का, लेकिन उनसे बन नहीं पाया। बन क्यों नहीं पाया, क्योंकि यहाँ पर वो उन्होंने कहा है कि सर जी, ये बायोस एक्सट्रैक्ट नहीं हो रहा। तो आसूस का है, कोई लेटेस्ट जनरेशन का ही है, आई थिंक ये 8 या 9 जनरेशन का होगा, क्योंकि जो लेटेस्ट आसूस के बायोस आ रहे हैं, अगर उसको हम एडिट करने के लिए उसकी साइट पे जाते हैं ना, तो एक छोटी सी मिस्टेक होती है उनसे। उस छोटी सी मिस्टेक के कारण हम क्या करते हैं कि हम कर नहीं पाते, बायोस को एडिट कर नहीं पाते। जैसा कि इन्होंने मुझे यहाँ पर ये दिया, इन्होंने update.exe मुझे डाउनलोड करके यहाँ पर सेंड कर दिया है ना। तो ये पहला केस नहीं, इससे पहले भी 2-3 पर्सन ने मुझे इस तरह के केसेस दिए थे, है ना। तो मैंने बोला कि चलो इस पर एक वीडियो बना देते हैं कि कहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग उनसे हो रही है, वो पता चल जाएगा, है ना। तो चलिए देखते हैं किस तरह हम इस बायोस फाइल को बनाएंगे। तो फिलहाल इन्होंने मुझे अपडेट्स जो सेंड किया है ना, मैं इसको एक बार डाउनलोड कर लेता हूँ। सो इन फोल्डर मैंने इसको कट किया, कट करके एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ। ये न्यू फोल्डर 7 है, ध्यान रखिएगा, न्यू फोल्डर 7। इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। और क्या था, इन्होंने बैकअप भी सेंड किया हुआ, इस बैकअप को भी मैं अपने पास रख लेता हूँ। मैं फुल एंड फाइनल बायस बना के इनको दूंगा, है ना। ये मैंने दिया, ऑलरेडी बायस एडिटिंग जानते हैं ये पर्सन, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि एक छोटी सी मिस्टेक हुई है। कहाँ पे मिस्टेक हो रही है उसको बात समझना है, क्योंकि जो भी आपको लेटेस्ट जनरेशन के आसूस के बायोस आप जब डाउनलोड करने के लिए जाते हैं ना, उसका अपडेट्स फाइल डाउनलोड करने के लिए आसूस की साइट पे जाते हैं, तो बहुत से लोगों से मिस्टेक्स होती है ना। तो चलिए हम आसूस की साइट पे जाते हैं। फिलहाल तो इन्होंने ये दिया, इन्होंने क्या कहा कि ये एक्सट्रैक्ट नहीं हो रहा है। तो जाहिर सी बात है, एक्सट्रैक्ट होगा नहीं, यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक्सट्रैक्ट होगा नहीं, ये .exe फाइल है, एक्सट्रैक्ट नहीं होना। आप कहेंगे किसी एक्सट्रैक्टर से एक्सट्रैक्ट कर लें, कोशिश करके देख लीजिए, है ना, मे बी हो भी जाए, है ना। लेकिन मैं यहाँ पे ये जानता हूँ कि इस फाइल को किसी एक्सट्रैक्टर की ज़रूरत है नहीं। और पहली बात तो ये कि आसूस जो है वो इतना ईजी है कि ये जो हम आपने डाउनलोड किया ना, ये गलत डाउनलोड किया। ये क्यों आपने डाउनलोड किया वो भी मैं बताना चाहूँगा। थोड़ा सा एक छोटा सा ट्रिक है कि आपने क्या समझ के, क्या सोच के इस फाइल को डाउनलोड किया है। हमें इसको डाउनलोड नहीं करना था। खैर, मैं आपको वो भी बताऊँगा कि अगर आपने इसको डाउनलोड कर लिया तो भी आप इससे अपनी बायोस की फाइल कैसे निकालोगे, कैसे इससे एक्सट्रैक्ट करोगे, है ना। और आपसे मिस्टेक कहाँ हुई, उस चीज़ को भी मैं आपको समझाता हूँ। तो मैं जाता हूँ एक बार ASUS की साइट पर, X430FA है, तो ASUS की साइट पे आता हूँ मैं। ये ASUS की साइट को मैंने ले लिया यहाँ पे, www.asus.com। यहाँ पर हम आएंगे सपोर्ट में, सपोर्ट में आ गए, यहीं पे हम सर्च कर लेते हैं जो भी था, क्या था, ASUS X430FA। तो मैंने X430FA टाइप किया तो देखिए यहाँ पर आ रहा है, प्रोडक्ट हमारा आ रहा है यहाँ पे सर्च में आ रहा है, X430FA। क्लिक किया मैंने इसका, ये मॉडल आ रहा है यहाँ पर X430FA।
इसमें कहाँ जाऊंगा? मैं जाऊंगा इसमें ड्राइवर एंड टूल्स में। ड्राइवर टूल्स में कहाँ जाऊंगा? यहाँ पर आ रहा ऑप्शन बायोस एंड फर्मवेयर का, तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ बायोस एंड फर्मवेयर में। बायोस एंड फर्मवेयर में आ गया मैं। अब देखिए मिस्टेक क्या हो रहा है, जैसे आपने बायोस एंड फर्मवेयर पे क्लिक किया तो सबसे पहले आपको ये बायोस अपडेट मिला। आपने क्या किया, इसे डाउनलोड कर लिया। देखिए मैं भी इसे अगर डाउनलोड करूँगा वही होगा, सी ऑल डाउनलोड करेंगे तो भी आपको ये जो दो फाइलें दिख रही हैं मुझे, एक 7 MB की, एक 5.92 MB की, ये बायोस अपडेट है। तो आपने क्या किया, आपने इसको डाउनलोड कर लिया था, उन्होंने इसको डाउनलोड कर लिया, मैं भी डाउनलोड कर लेता हूँ। देखिए तो आप देख सकते हो वही आ रहा है ना, ASUS X430F अपडेट फाइल जो थी ये आ रही है ना। कट कर लेता हूँ मैं इसे, कट करके मैं उसी लोकेशन पे रख के आपको दिखाता हूँ, ये वही है। देखिए ये वही फाइल आप देख सकते हैं, X430F है। तो आपसे एक मिस्टेक ये हुआ कि आपने इसे डाउनलोड किया, इसे डाउनलोड करने की ज़रूरत थी नहीं, ना तो इसे डाउनलोड करने की ज़रूरत थी, फिर भी अगर आपने इसे डाउनलोड कर लिया तो अब आपकी समस्या ये है कि एक्सट्रैक्ट नहीं हो रहा है। जैसा कि बताया इन्होंने कि सर जी ये बायोस एक्सट्रैक्ट नहीं हो रहा, तो कोई नहीं हम इसे ही एक्सट्रैक्ट करेंगे और देखेंगे क्या ट्रिक है एक्सट्रैक्ट करने का विदाउट एनी एक्सट्रैक्टर। चलिए देखिए ट्रिक क्या है इसको एक्सट्रैक्ट करने का, कि अगर आप राइट क्लिक करके कहीं एक्सट्रैक्ट ऑप्शन के लिए जाओगे तो मिलना नहीं आपको, ठीक है ना। आपको करना क्या है, इसको डबल क्लिक करिए, डबल क्लिक करिए, यस करेंगे हम। यारा वेलकम टू ASUS X430F बायो सेटअप विजार्ड, कोई दिक्कत नहीं, क्लिक नेक्स्ट टू कंटिन्यू। नेक्स्ट किया हमने, यहाँ पे लाइसेंस एग्रीमेंट है, आप इसे एक्सेप्ट कीजिए, नेक्स्ट कीजिए। अब आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, अभी आ रहा ना रेडी रेडी टू इंस्टॉल, यहाँ पे मैं इंस्टॉल पे क्लिक करूँगा उसी समय आपको ध्यान से देखना होगा। मैंने क्लिक किया, मुझे जो देखना था वो मैंने देख लिया, क्या आपने देखा, शायद हो सकता है आपने नहीं देखा, फिर से मैं आपको दिखाता हूँ, गौर से देखिएगा। फिनिश करता हूँ मैं, ये कह रहा है रिस्टार्ट के लिए, मैं रिस्टार्ट नहीं करूँगा, मैं कोशिश करूँगा अगर स्क्रीन शॉट आ जाए उसका। ये देखिए मैंने डबल क्लिक किया, यस किया, यहाँ पर नेक्स्ट करूँगा, आई एक्सेप्ट एग्रीमेंट, नेक्स्ट करूँगा, इंस्टॉल। तो अभी क्या मैंने देखा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फाइल एक्सट्रैक्ट हुई है। अब हम तो जानते हैं कि कोई फाइल एक्सट्रैक्ट होती है तो कहाँ जाती है, टेम्प फोल्डर में जाती है, लेकिन आप घूमते रह जाओगे टेम्प फोल्डर में, आपको ये एक्सट्रैक्ट की हुई फाइल नहीं मिलेगी, है ना। और यहाँ पर ये बात का ध्यान रखना है, अब यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है यस रिस्टार्ट द कंप्यूटर नाउ, और दूसरा ऑप्शन नो आई विल रिस्टार्ट द कंप्यूटर लेटर। आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, अभी आपकी फाइल एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। कहाँ एक्सट्रैक्ट हुई है, तो ये सी ड्राइव में एक्सट्रैक्ट हुई। मुझे कैसे पता सी ड्राइव में एक्सट्रैक्ट हुई, क्योंकि सिंपल है कि जब हम इसको डबल क्लिक कर रहे हैं, देखेंगे आप, नेक्स्ट, जब हम इसको डबल क्लिक कर रहे हैं, आई एक्सेप्ट करके इंस्टॉल कर रहे हैं, तो ये एक्सट्रैक्ट हुआ कहाँ पे, सी ड्राइव में। अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, यस नो फिनिश कुछ नहीं करना है, आपने आना कहाँ है, सीधा सीधा सी ड्राइव में आना है। देखिए सी ड्राइव में आ गया मैं, सी ड्राइव में ड्राइवर्स बोल के एक फोल्डर पहले नहीं था, अभी ये ड्राइवर्स बोल के फोल्डर आ गया, और यहाँ पर आप देख लीजिए वही है ना X430A.309, ये आपकी वो बायस फाइल है जिसको आप एडिट करके अपने काम में ला सकते हो, है ना। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना था, नो आई विल स्टार्ट द कंप्यूटर लेटर, ये करना नहीं है, ये करेंगे तो ये गायब हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। जैसे टेम्प फोल्डर में होता था ना, टेम्प फोल्डर की टेक्निक थी कि अगर जैसे कि हमने देखा एस सर के जो बायोस होते हैं मोस्टली, उसको वो क्या होता है टेम्प फोल्डर में जाके एक्सट्रैक्ट होता है ना, ठीक उसी तरह यहाँ पर भी एक्सट्रैक्ट हो रहा है, बट कहाँ हो रहा है, टेम्प फोल्डर में नहीं हो रहा है, ये सी ड्राइव में हो रहा है ना। एक्सट्रैक्ट होने के बाद कोई भी जो विंडो आता है, कोई भी डायलॉग बॉक्स आता है, उसको आपने यस या नो नहीं करना, ठीक है ना। तो यही ट्रिक था, मैं फिर से ले आता हूँ, डबल क्लिक किया, यस किया, नेक्स्ट करूँगा, आई एक्सेप्ट। अभी आप देखिएगा ये ड्राइवर्स के अंदर, देखिएगा
पहुंच गया। जैसे आप इंस्टॉल करेंगे, देखिए यहाँ पर फाइल आ गई। यहाँ पर आपने कुछ नहीं करना है, ये आपके मतलब की फाइल है, देख सकते हैं आप। ये 16 MB के अप्रॉक्स है ये डेटा, इसको यहाँ से कॉपी कर लेना आपने। कॉपी करके आपने यहाँ पे रख लेना। अब जो आपको चाहिए था वो मिल गया। अब इससे आगे जो भी बायस एडिटिंग जानते हैं वो अपना काम निकाल लेंगे। प्रॉब्लम क्या थी? एक्सट्रैक्शन की प्रॉब्लम थी। एक्सट्रैक्शन की मैंने ट्रिक बता दिया कि एक्सट्रैक्ट कैसे होगा। रिस्टार्ट नहीं करना मुझे, मैंने फिर यहाँ पे नो कर लिया सेलेक्ट और फिनिश कर दिया, है ना। फिर भी हम अगर चाहें तो हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं। आसूस में तो कभी एक्सट्रैक्शन की ज़रूरत ही नहीं होती है, सही बात बताऊँ तो, है ना। आसूस में एक्सट्रैक्शन की ज़रूरत ही नहीं है, और अगर कभी एक्सट्रैक्शन की ज़रूरत पड़ जाए तो उसके लिए थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। उसके लिए थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। हेलो, हेलो, हाँ जी, ओके सर, ओके सर, अभी आ रहा है लड़का, फ्लिपकार्ट वाला होगा, लेना है ये, देना है नीचे सामान लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको मैंने बोला कि इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी, है ना। एक सिंपल सा ट्रिक था, मैं फिर से आता हूँ। ये फाइल चाहिए थी ना, मैं ये फाइल ऐसे भी आ जाएगा। अगर आप ASUS की साइट पे जाओ, ये BIOS अपडेट जो है ना, इसे डाउनलोड मत करो। BIOS अपडेट के नीचे क्या आ रहा है? BIOS आ रहा है, सिंपल है, BIOS आ रहा है। आप इसे डाउनलोड करिए। देखिए यहाँ पर जिप आ गया, है ना, जिप फॉर्मेट में आ गया। सो इन फोल्डर किया, इसको मैंने यहाँ पे कट किया, कट करके ये मैंने यहाँ पर पेस्ट किया। एक्सट्रैक्ट करूँगा, ये इजीली एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। एक्सट्रैक्ट हो गया, अब आप देख सकते हैं ये फाइल वही फाइल है ना जो हमें चाहिए थी। अब देखिए मैं रीनेम करके यहाँ पर ये लिख देता हूँ। अब देखिए आप, कट किया, पेस्ट किया, है ना। अब देखिए ये फाइल ऑलमोस्ट सेम फाइल है, कोई डिफरेंसेस नहीं है इसमें। अगर आप देखोगे ये X430FL.309, ये भी वही है ना, ऑलमोस्ट सेम है, इसमें कोई डिफरेंसेस नहीं है। तो इसकी ज़रूरत थी नहीं, खैर हमें तो ये समझ गया कि आपको अपडेट को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। ASUS की साइट पे जब भी जाओगे, अब आप जब भी लेटेस्ट जनरेशन के लिए जाओगे ना, तो सबसे पहले ASUS क्या दिखाएगा? अपडेट्स दिखाएगा। तो आपको ये BIOS अपडेट को नहीं डाउनलोड करना है, है ना। आपको क्या करना है? BIOS डाउनलोड करना है, है ना। बाकी कंपनी जो होती है ना, वो क्या होती है, अपडेट देती हैं। बाकी कंपनियां डायरेक्ट अपडेट देती है, चाहे आप HP लीजिए, डेल का लीजिए, लेनोवो का लीजिए, वो क्या देती है, अपडेट देती है। तो वहाँ पे हमें एक्सट्रैक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है ना। लेकिन ASUS हमेशा से क्या है, BIOS ही देता है आपको। कभी फुल साइज में देगा, कभी हाफ साइज में देगा, कभी साइज से ज़्यादा देगा, है ना। तो वो आपने एडिटिंग करनी होगी, ठीक है ना, वो आपने एडिटिंग करनी होगी। एडिट करके आप अपना काम चला सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग वर्जन के दे रखे हैं, है ना। आप अपना वर्जन मैच कर लीजिए, जो जैसा है आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं और करके अपना BIOS बना सकते हैं। अब जब आप BIOS बनाने जाएंगे तो वहाँ भी एक समस्या आएगी, बिल्कुल आएगी वो समस्या, है ना। वहाँ पर भी एक छोटा सा ट्रिक आपको समझना होगा। अब देखिए ASUS ने हमें दिया क्या, दिया कोई भी ले लो, है ना। ये जो कॉपी बिन है ये तो मेरा बैकअप है शायद, मैं देख लेता हूँ एक बार फिर से। ये X43A कॉपी डॉट पिन, ये हमारा क्या है, बैकअप है। इसको मैंने लिख देना है, ये बैकअप है मेरा, ठीक है। मुझे इसके बिहाफ पे BIOS बनाना है, ठीक है। ये मेरा बैकअप है, मैं मान के चलता हूँ। ये आप देख सकते हैं 16 MB एग्जैक्ट है, है ना। एग्जैक्ट नहीं है, थोड़ा ज़्यादा है, 16 MB की साइज से थोड़ा सा ज़्यादा है, है ना। ये 1677926 4, इसको भी देखूंगा तो ये भी सेम है ना। मतलब ये दोनों क्या है, सेम सेम है। आप किसी एक को चूज कर लो, इसको मैं चूज कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अपडेट, ये मेरा क्या है, अपडेट है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, BIOS बिल्ड करना है, BIOS बनाना है। तो फिलहाल मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, फालतू चीज़ों को हटाइए, ये तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। डिलीट, इसकी भी ज़रूरत नहीं, इसे भी क्या डिलीट,
इसकी भी जरूरत नहीं, कर दिया डिलीट। बैकअप चाहिए, इसकी जरूरत नहीं है, हमने इससे बना लिया, डिलीट कर दिया, है ना। और इसे भी हम डिलीट कर देते। अब हमारे पास क्या है, मोटा मोटा दो चीज़ हैं, एक बैकअप है, तो बैकअप और ये मेरा अपडेट। अब ऐसा लग रहा होगा, देखिए आप बैकअप का जो साइज है आप देख सकते हैं 16 MB 167 77216 बाइट्स, ठीक है ना, ये इसका साइज है करेक्ट बाइट्स में। ये मैंने साइट किया, इसका भी मैं लेता हूँ, इसमें देखेंगे 167 76779264, ये भी 16 MB दिखा रहा, बट क्या ये थोड़ा सा ज़्यादा साइज है, ये ज़्यादा साइज है। मैं आपको यहाँ पर नोट्स में बता देता हूँ साइज का एक्चुअल में डिफरेंस क्या आ रहा है। जैसे अपडेट्स का अगर मैं साइज देख रहा हूँ, मुझे कैसे पता चल रहा है ज़्यादा है, ये इस तरह पता चल रहा है, कॉपी ये साइज और दूसरा आप इसका साइज देखो, कॉपी आप देख सकते हैं साइज में डिफरेंसेस हैं। यहाँ पर देखिए 77 216, यहाँ पर 79 264। तो हमें ऐसा लग रहा होगा कि ज़्यादा टफ नहीं है, ये कैप फाइल के अंदर आया, कैप फाइल होती है मोस्टली आसूस में, है ना। तो ये जो अपडेट्स है कैप फाइल में या कैप्सूल फाइल में आया है, इसको हम यूफाई रिप्लेसर में या यूफाई व्यूअर में डाल के आराम से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं है, इसको कैसे पूरी तरह से बनाया जाएगा उसको देखिए आप समझिए पहली बात, है ना। अब यहाँ पर आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, यूफाई व्यूअर की जरूरत पड़ेगी। तो आइए यूफाई व्यूअर को मैं पहले ले आता हूँ, कहाँ है यूफाई व्यूअर, यूफाई व्यूअर ये रहा, यूफाई टूल व्यूअर, यहाँ पर रिप्लेसर रखता हूँ मैं और यहाँ पर मैं व्यूअर रखता हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, जो अपडेट बैकअप है, बैकअप को मैंने डाला कहाँ, टूल व्यूअर में डाला, ठीक है। ये इंटेल का इमेज है करेक्ट, डिस्क्रिप्टर रीजन है, एमवी रीजन है, बायस रीजन है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि बायस रीजन आपका ये है, साइज क्या है देख सकते हैं आप, साइज आपका ये है। ध्यान रखिएगा कि आपका जो बैकअप है, बैकअप के बायस रीजन का साइज है अप्रॉक्स 7 MB करेक्ट। कॉपी कर लेता हूँ, ये मेरे बायस रीजन का साइज है, बायोस रीजन साइज, ये मेरा ये है ना करेक्ट, ये हमने देख लिया। अब फिर से मैं अपना अपडेट्स में देखूंगा कि जो मुझे अपडेट्स मिला है वो क्या मिला। तो जैसा कि सबको पता ही है कि आज के डेट में एक अगर HP के होम सीरीज को छोड़ दिया जाए तो मोस्टली क्या है, हाफ बायोस आते हैं, मतलब केवल बायोस रीजन आता है, एमई रीजन, डिस्क्रिप्टर रीजन ये सब नहीं मिलता। क्या मिलता है, केवल बायोस रीजन मिलता है। तो क्या 16 MB मिला है तो क्या 16 MB या बायोस रीजन होगा, नहीं ऐसा तो हो नहीं सकता, हमें बायोस रीजन क्या चाहिए, 7 MB चाहिए। तो मैं इसको देखता हूँ, इस अपडेट्स को मैंने लिया, इसको भी मैंने व्यूअर के अंदर डाला, ट्रैक करके ड्रॉप किया। आप देख सकते हो यहाँ पर क्या है, AMI FCO कैप्सूल, एक कैप्सूल फाइल है ना, कैप्सूल फाइल के अंदर ये आपका UFI इमेज है, कोई नहीं। अब इसका साइज तो काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, तो अब हमें बिल्ड करना है, मतलब इस साइज में, ये 16 MB के साइज में केवल 7 MB हमारे काम का है, बाकी हमारे काम का नहीं है, केवल 7 MB हमारे काम का है, बाकी हमारे काम का नहीं है। तो जैसा मुझे बैकअप मिला है तो मैं कोशिश करूँगा कि उसी तरह का एक नया बायोस बिल्ड करके देखूँ, है ना। बाकी आपने केवल मुझसे किस पूछा था एक्सट्रैक्शन को लेके, एक्सट्रैक्ट नहीं हो रहा है, बाकी आप खुद समझदार हैं, आप खुद इस बात को बिल्ड करके देख सकते हैं। फिलहाल आपने मुझे दिया तो मैं भी बिल्ड करके देखता हूँ, है ना, कि हो सकता है नया केस है मेरे लिए भी, कुछ न्यू हो इसमें सीखने के लिए। तो अब देखिए यहाँ पर करेंगे क्या, सबसे पहले जो आपका बैकअप था, बैकअप का बायस सीजन को आप बाहर लीजिए। बाहर कैसे लाएंगे, यूफाइड टूल व्यूअर में डालना है, ये बायस सीजन को मैंने बाहर ले लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया, ये मेरा क्या है, बैकअप का बायस सीजन है,
बैकअप पास सेव कर लिया मैंने, है ना। अब इस अपडेट्स को मैं बैकअप आ गया, अपडेट्स को मैं यूएफआई टूल व्यूअर में ड्रॉप किया, ड्रॉप करके इसको भी मैं बाहर ले लेता हूँ एक्सट्रैक्ट एडिट। ये मेरा अपडेट्स है, ये मेरा अपडेट्स है, सेव कर लिया, करेक्ट। अब मुझे ज़रूरत किसकी पड़ेगी, हैक्स एडिटर की, क्योंकि साइज को मुझे मैच करना है। तो हैक्स एडिटर के लिए ये रहा अपडेट्स और ये रहा मेरा बैकअप बायस सीजन। तो बैकअप बायस सीजन को मैंने हैक्स एडिटर में ओपन किया, साथ ही साथ मैंने किसने किसको ओपन करना है, इस अपडेट्स को, इस अपडेट्स को भी मैंने ओपन किया। विंडो में जाकर टाइल वर्टिकली करूँगा, टॉप रीजन तो मैच कर रहा है, जो टॉप है वैसा इसमें भी टॉप है, बॉटम बॉटम मैच नहीं करेगा, क्योंकि ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पर देखेंगे आप, ये बैकअप है, इस पर मैंने क्लिक किया है, सॉरी टाइल वर्टिकली, इस पर मैंने क्लिक किया तो ये अपडेट्स है, इस पर क्लिक किया ये मेरा बैकअप है। तो बैकअप का अगर मैं बॉटम ऑफसेट देखूँ तो ये PAD आ रहा है, इससे पहले की वीडियो में बता रखा हूँ कि PA क्या होता है, अगर कहीं पे आपको PA मिले तो समझ जाना ये मेरा बायस सीजन का क्या पार्ट है। यहाँ पर तो ऐसा PA नहीं दिख रहा है, तो अभी मैं करना क्या है, सिंपल है, टॉप तो हमारा मैच कर ही रहा है, टॉप हमारा मैच कर रहा है, कर रहा है, करेक्ट मैच कर रहा है। तो हमें क्या करना है, यहाँ इस ऑफसेट पे क्लिक किया, कॉपी एड्रेस करेंगे, है ना, इसको हाईलाइट करके गो टू ऑप्शन में जाके पेस्ट कर दिया, और बिगनिंग ऑफ फाइल काउंटिंग कहाँ से करना है, बिल्कुल वन से करना है, मैंने दे दिया बिगनिंग ऑफ फाइल फ्रॉम वेयर, कहाँ से काउंटिंग करना है, बिगनिंग ऑफ फाइल से गो करते हैं। अब देखिए यहाँ पे इस पूरे डेटा को आप क्या करो, यहाँ पहले डिलीट कर दो, नीचे का डेटा का हमारी ज़रूरत नहीं है, इसको मैंने कर दिया डिलीट। अब आप देख सकते हैं मेरा मैचिंग हो गया, ये डी ऑब्लिक पी ए पी डी मैच कर रहा है ना, एग्जैक्टली हमारा ये मैच कर रहा है। मतलब मैंने क्या किया, उस अपडेट्स में केवल बायस रीजन था, लेकिन बायस रीजन का साइज ज़्यादा था, तो उसको मैंने क्या किया, बिल्कुल सॉलिड कर लिया, जैसा हमारा बैकअप का बायस रीजन था उसी तरह मैंने कर दिया। अब इसको मैंने सेव कर लेना है, मैं इसको सेव कर लेता हूँ, सेव किस नाम से करूँ, मैं इसे इस नाम से कर लेता हूँ सेव, इसको अपडेट्स बायोस रीजन, ये मैंने सेव कर लिया, काम खत्म। अब हमारे पास जो बायोस रीजन चाहिए था अपडेट्स का वो आ चुका है, ये रहा। अब हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, व्यूअर की ज़रूरत नहीं, अब हमें रिप्लेसर की ज़रूरत है। तो जो आपका बैकअप था, बैकअप को मैं यहाँ पर लेके आया जो फाइटो रिप्लेसर में, एक्सपेंड किया, बायस सीजन पे राइट क्लिक करके इसे रिप्लेस कर देना है। किससे रिप्लेस करना है, बैकअप इससे, ऑल फाइल्स करूँगा, मुझे इसको रिप्लेस किससे करना, अभी जो मैंने बनाया था अपडेट्स बायोस रीजन, इससे रिप्लेस कर देना है। फाइल पे जाके सेव इमेज फाइल, ये न्यू बायस, न्यू बायस डॉट बिन कर दे रहा हूँ, ये न्यू बायस मैंने सेव कर दिया, काम हो गया मेरा खत्म, है ना। तो अभी आपने देखा इस तरह से हमने क्या किया, एक नया बायस बना लिया, कहाँ बनाया, ये न्यू बायस आप देख सकते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज दिखाऊँ, एग्जैक्ट 16 MB है, एग्जैक्ट 16 MB है। तो ये था एक तरीका बायस को बिल्ड करने का, एक तरीका था, है ना, कि कैसे आप आसूस के बायस को बिल्ड करोगे, वो मैंने यहाँ पर एक तरीका बताया। बाद में की और भी जाँच पड़ताल करनी होती है, एमए रीजन तो हमने इसका जैसा था वैसा ही रखा है, तो आप एमए रीजन खुद ही क्लीन कर सकते हैं। एक बार मैं देख लेता हूँ कि दोनों के एमए सेम है या डिफरेंट है, तो इसके लिए एमए एनालाइजर की जरूरत पड़ेगी मुझे, एमए एनालाइजर है कहाँ, ये बैकअप, ये 12 वर्जन है, इनिशियलाइज है अभी,
और ये जो मैंने न्यू बायस बनाया है, तो मैंने फिलहाल एमए रीजन किया नहीं है, मैं करूँगा भी नहीं एमए रीजन, वो आप खुद ही ट्राई करके देख सकते हैं। अगर एमए रीजन की प्रॉब्लम है तो एमए रीजन से ही करना पड़ेगा। तो फिलहाल जो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, एग्जैक्ट मैच हो रहा है, 12035427427 एग्जैक्ट, मतलब सेम टू सेम है। एमए रीजन भी क्या अभी हमारा सेम टू सेम सेम ही रहेगा, इसलिए रहेगा कि हमने अभी एमए रीजन को छेड़ा नहीं है, एमए रीजन को हमने कुछ किया नहीं, हमने क्या किया केवल जो भी काम करना था हमने बायस रीजन में किया। अब अगर जिस केस के लिए आप इस बायस को एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, अगर इतने से अगर वो केस सॉल्व हो जाता है तब तो ठीक है, नहीं तो अगर एमए रीजन के सिम्टम्स है तो आपको एमए रीजन भी क्लीन करके देखना होगा, है ना। तो कुल मिला के एक टेक्निक थी। अब मैं इसको यहाँ पर कॉपी करूँगा, कॉपी करके आपको टेलीग्राम में पेस्ट कर दिया। है ना, तो इस तरह आपने यहाँ पर देख लिया कि किस तरह ASUS के जो लेटेस्ट जनरेशन के बायोस होते हैं उसमें क्या ट्रिक होता है। सिंपल है, कुछ था नहीं, बस थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि हम डायरेक्ट अगर बायोस को डाउनलोड कर लेते ना यहाँ पर ASUS की साइट से, अगर हम केवल ये बायोस को कर लेते तो एक्सट्रैक्शन के झमेले में पड़ना ही नहीं था, है ना। हमने क्या किया, फर्स्ट टाइम पे इसको डाउनलोड कर लिया था, आपने इसको डाउनलोड कर लिया था जिसकी वजह से थोड़ा सा एक्सट्रैक्शन का इश्यू आया, लेकिन वहाँ पर भी अगर आप गौर से देखते हैं ना सी ड्राइव में एक्सट्रैक्ट हो जाता है, जब डबल क्लिक करके हम रन करते हैं ना तो सी ड्राइव में एक्सट्रैक्ट हो जाता है। कुछ ASUS ऐसे हैं जो नहीं भी हो सकते हैं, मैं कुछ कह नहीं सकता, बाद में कि मैंने अब तक जितने भी ASUS देखे हैं किसी में एक्सट्रैक्टर की ज़रूरत नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे हैं दो तीन एक दो एक्सट्रैक्टर हैं, ये AMI BIOS कार्ड है ना, उसका भी यूज किया जा सकता है एक्सट्रैक्शन के लिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ उसकी भी ज़रूरत नहीं है, सी ड्राइव में ऑटोमेटिक एक्सट्रैक्ट हो ही जाता है तो हमें उसकी ज़रूरत है ही नहीं, एक्सट्रैक्शन पर्पज के लिए तो हमें उसकी ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। तो आज का हमारा ये केस यहीं पे क्लोज करते हैं।